ये 24 कैविटी है और इसका 70 रुपीस प्राइस है, बस 70 रुपीस। ये 180 कॉइन, मैंने आप इसमें 180 कॉइन, 180 कॉइन है, ऐसे 360 आते हैं, 90 आते हैं। ये चॉकलेट रिलेटेड भी है, जो लोग चॉकलेट बनाते हैं उसके लिए बॉक्सेस है, ये एम्प्टी बॉक्सेस रहते हैं। और ये 10 पीस का पैकिंग आता है ऐसे, वॉरशिप है हाँ। इसका मॉडल वगैरह हम लोग बनाते हैं, ये इंडियन नेवी में, इंडियन नेवी का वॉरशिप है। हेलो फ्रेंड्स, वी आर बैक अगेन। तो हम लोग अभी जो है मतलब बारह हजार एपिसोड का एक नया जो एपिसोड लेके आज मतलब आ गए हैं। तो हम लोग अभी कहाँ है, क्या चीज का होलसेल मार्केट पे है, वो सब अभी सुन लेंगे। तो भैया नमस्ते। अच्छा, तो मतलब आपका दुकान कहाँ पे है? बागड़ी मार्केट। बागड़ी मार्केट, मतलब अगर कोई हावड़ा से या बड़ा बाजार थाना से आना चाहेगा तो कैसे आ पाएगा? प्रॉपर बागड़ी मार्केट लोकेशन ही है, बागड़ी मार्केट बोलने से सब कुछ जान जाएंगे। अच्छा, मगर कैनिक स्ट्रीट में आएंगे उसके बाद बागड़ी मार्केट में आ सकते हैं। अच्छा, बागड़ी मार्केट में। और आपका मतलब जो मतलब शॉप नंबर क्या है? शॉप नंबर B210 बागड़ी मार्केट, सेकंड फ्लोर में है। सेकंड फ्लोर में B210 आकाश एंटरप्राइज, B210 आकाश एंटरप्राइज, B210। और तो आप मतलब एकदम यूनिक प्रोडक्ट से डील करते हो, मैं जो देखा तो क्या प्रोडक्ट है आपका, थोड़ा अगर बता देंगे तो? चॉकलेट बॉक्सेस, आजकल सबको होममेड चॉकलेट बनाते हैं, उन्हीं का बॉक्स हम लोग एम्प्टी बॉक्स खाली बेचते हैं। अच्छा, मतलब आप तो एक तरीके से बिजनेस प्रमोट करते हो ना, मतलब कोई अगर चॉकलेट बनाते हैं तो उनको तो बॉक्स चाहिए बेचने के लिए चॉकलेट। अच्छा अच्छा, मतलब अच्छा ग्रूमिंग करके बेचने के लिए, तो वही आप प्रमोट करते हो ना। तो मतलब आप मुझे जो दिख रहा है मतलब अंदर या मतलब हर तरह बहुत मतलब किस्म का चॉकलेट बॉक्सेस है, तो आप अगर कुछ दिखा पाओगे और कुछ का प्राइस या डिस्काउंट कुछ बता पाएंगे आपको? मेरे पास कैविटी बॉक्स भी है और रिजिड बॉक्स भी है। अच्छा, पहले मैं कैविटी बॉक्स दिखाता हूँ। हाँ हाँ। मेरे पास सबसे कम माने 6 कैविटी वाला बॉक्स है, इसका प्राइस 25 रुपीज है, ठीक है। और हाई क्वालिटी में भी बॉक्स है, क्रिस्टल का बॉक्स है जिसमें 25 कैविटी है, माने आप 2500 कैविटी माने 2500 चॉकलेट रख सकते हैं, उसका दाम 145 रुपीज है। और भी बॉक्सेज है, वुडन ये बॉक्सेज है, कार्डबोर्ड बॉक्सेज है। ये 24 कैविटी है और इसका 70 रुपीस प्राइस है, बस 70 रुपीस, ओनली 70 रुपीस। इसके बाद आपको और भी बॉक्स दिखाएंगे, जैसे कि ये 9 कैविटी बॉक्स है जिसका दाम 45 रुपीस है, 45 रुपीस। और मेरे पास इधर में बहुत सारे डिजाइन है, आपको दिखा दे रहे हैं। भैया आपका मतलब दुकान कब से है? 1992 से। 1992, तब तो मतलब करीब करीब 30 साल हो गए आपका दुकान, मतलब ठीक है। तो मतलब बिजनेस मतलब ये ही क्या आपका बिजनेस ओनर था, या फिर पहले हम लोग का बिजनेस था ग्रीटिंग्स कार्ड का? ग्रीटिंग्स कार्ड का, अभी तो ऑनलाइन होने के बाद में हाँ। नहीं, मगर अभी भी मेरे पास ग्रीटिंग कार्ड आपको मिल सकते हैं। मुझे तो देख रहा है बहुत सारा कलेक्शन है आपका, एनिवर्सरी, ये बर्थडे कार्ड है, ऐसे ही एनिवर्सरी कार्ड मिलेंगे। अच्छा, और ये तो सब मतलब सेट में बंच पे आता है ना? सेट में आता है, 10 पीस का पैकेट रहता है। ये सब का प्राइस क्या हो गया? ये प्राइस 20 रुपीस MRP से चालू होता है। अच्छा, और ऊपर में 150, 200, 700, 800 रुपए तक जाता है। अच्छा, मतलब ये सेट 12 पीस का सेट का प्राइस है ना? 10 पीस आता है। अभी आप इधर आ गए, अभी हम दिखाएंगे और एक आइटम आपको जो है स्लैम बुक। स्लैम बुक बच्चे लोग बहुत यूज करते हैं। यूज करते थे पहले, इसको एक बार खोल के दिखाएंगे आपको। इसका बहुत सारा वेराइटीज है मेरे पास, अच्छा। और एक आइटम हम लोग बेचते हैं, जो लोग कॉइन जमा करते हैं हाँ। उसको कॉइन को रखने के लिए हम लोग तो कॉइन एल्बम बेचते हैं। अच्छा, कॉइन एल्बम भी होता है? तो देखिए दोस्तों, ये एकदम एक नया चीज है, कॉइन एल्बम, ठीक है। जो आप कॉइन को जमा कर सकते हैं। तो देखिए ये हो गया आपका कॉइन एल्बम, ये एकदम ही मतलब अलग किस्म का एक चीज है। तो ये देखिए कॉइन एल्बम में कैसे आपको मतलब
कॉइन को मतलब कलेक्शन करके रख पाएंगे। ये देखिए, जो लोग कॉइन कलेक्शन करने के शौकीन होते हैं उनके लिए ये एक बहुत ही सही में बहुत ही बढ़िया चीज है। ये देखिए, और इसमें जैसे ये 180 कॉइन, माने आप इसमें 180 कॉइन, 180 कॉइन है, ऐसे 360 आते हैं, 90 आते हैं, 560 आते हैं। तो ये सब का प्राइस रेंज क्या होगा? ये 180 का प्राइस 170 रुपए, बस 170 रुपए में ये होलसेल प्राइस हो गया ना। अच्छा, और मिनिमम परचेज मतलब कितना करना होगा? एक पीस भी आप ले सकते, एक पीस भी ले सकते हैं कोई। ये 280 है, 280 है ये। और एक आइटम है, जो लोग करेंसी जमा करते हैं, हाँ, तो उनके लिए करेंसी बुक स्पाइरल वाला, ये करेंसी बुक है, आप इसमें करेंसी रख सकते हैं। तो देखिए दोस्त लोग, मतलब ये एकदम अलग किस्म का प्रोडक्ट है। तो करेंसी अलग अलग करेंसी का अलग अलग साइज भी है, इसमें सब अलग अलग साइज दिया हुआ है, कुछ बड़ा है कुछ छोटा है, तो आप अपने इसमें करेंसी। तो ये एक सही में बहुत ही यूनिक मतलब आइटम हम लोगों को दिखने मिला आज, करेंसी कलेक्शन बॉक्स या बुक, सॉरी। हाँ, तो ये देखिए इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस 350 350 है। और हम आपको रिजिट बॉक्स दिखाते हैं। ये चॉकलेट रिलेटेड ही है, जो लोग चॉकलेट बनाते हैं उसके लिए बॉक्सेस है, ये एम्प्टी बॉक्सेस रहते हैं। और ये 10 पीस का पैकिंग आता है ऐसे। अच्छा, तो इसका प्राइस क्या है? ये अभी जो मेरे हाथ में है उसका प्राइस है 120 10 पीस, 1 पीस का 120 रुपए, माने 10 रुपया पर पीस, पर पीस। और ये 10 पीस का पैकिंग में आता है। अच्छा, ठीक है। और इसका जितना वेरायटी, मेरे पास 80 वेराइटीज है, जो आपको कलकत्ता में कहीं पर स्टॉक में नहीं मिलेगा। तो जैसे कि भैया मतलब क्लेम किया, भैया के पास 80 वेराइटीज है, सो मतलब जो एकदम इरेक्टी डिजाइन है ये चॉकलेट बॉक्स का, जो कहीं पे नहीं मिलेगा। देखिए, हाँ, एक साथ इतना वैरायटी तो कहीं पे नहीं मिलेगा सही में। तो देखिए कलेक्शंस का कुछ कमी नहीं है, तो आप लोग आइए भैया के दुकान में, देखिए कलेक्शंस अच्छा लगे तो आप लेके जाइए। तो ये एक एंटीक चीज है, तो देखिए भैया के पास से सुनेंगे इसका मतलब क्या, मतलब डिटेल्स है, तो भैया आप थोड़ा बताएंगे हम लोग। ये एक्चुअली वॉरशिप है, वॉरशिप है। हाँ, हाँ। इसका मॉडल वगैरह हम लोग बनाते हैं, ये इंडियन नेवी में, इंडियन नेवी का वॉरशिप है। अच्छा, ठीक है। और ये मॉडल वगैरह हम लोग बनाते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये क्या आप लोग होलसेल करते हो या फिर ये डिटेल में? ये रिटेल में बेचते हो आप लोग या होलसेल में भी? तो जाते हैं इंडियन नेवी में ही लगता है, हम लोग इंडियन नेवी में ही देते हैं। अच्छा, जो मोमेंट, जो मोमेंट तो ये सब जो होता है गिफ्ट मोमेंटो के चलने चलता है ये। अच्छा अच्छा, तो ये एकदम एक यूनिक चीज मुझे दिखने को मिला। तो इसका प्राइस अगर थोड़ा बता मतलब दोगे तो? इसका ये एक्चुअली साइज के ऊपर डिपेंड करता है। अभी मेरे पास जो साइज है कि भाई, अभी मेरे पास जो साइज है वो आपका 12 इंचीज है, 12 इंचीज का प्राइस अप्रोक्सीमेटली 12,000 रुपीज। तो ये बहुत ही एक यूनिक चीज है, तो ये पूरा फाइबर का बना हुआ है, ये एकदम एंटिक एक पीस है। तो भैया का और एक बिजनेस मतलब और एक जोनर है बिजनेस का, तो जो मतलब जैसा भैया लोग क्या करते हैं, भैया लोग कस्टमाइज करके मेमेंटो बना देते हैं। तो अगर कोई रिक्वायरमेंट है कि ऐसे मेमेंटो बनाना होगा तो आइए इधर ये दुकान में। भैया आपका दुकान का नाम और एक बार बता दीजिए। आकाश एंटरप्राइज, B210 बागरी मार्केट, 71 कैनिक स्ट्रीट, कलकत्ता। हाँ, तो इधर चले आइए आप लोग, आप लोगों को कुछ सैंपल दिखाते हैं। भैया दिखाइए कुछ सैंपल। ये और एक तो आइटम है मेरा, डिजिटल बोर्ड है, ये सेंटेड बोर्ड है, ये 12-18 का साइज में आता है, और इसका ये ऐसे 8 कलर्स है। अच्छा, ऑफसेट प्रिंट में ये काम आता है, डिजिटल प्रिंट में भी ये काम आता है, और ये सेंटेड है, ये बोर्ड जो है सेंटेड है। देखिए ये एक ऑफसेट प्रिंटिंग बोर्ड है जो सेंटेड है, ठीक है। मतलब सेंट तो हम लोग वीडियो में आपको मतलब
उसका मतलब जो एहसास दे नहीं पाएंगे, लेकिन आप लोग आइए देखिए, जैसे सेंटेड बोर्ड जिसमें से आपको एक बहुत अच्छा सा खुशबू मतलब मिलेगा, ये मतलब खुशबू तो रह ही जाएगा ना लाइफ टाइम। ये डिजिटल प्रिंट में काम हो गया, ये डिजिटल प्रिंटिंग में काम आता है।